चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं खबरें गांव और ठाणी। अजमेर जिले के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लल्लाई गांव में सुबह आकाशीय बिजली गिरने से 7 छात्राएं और का अध्यापिका झुलस गए। झुलस हालत में घायलों को राजकीय अस्पताल लाया गया जहां पर उपचार जारी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरवार उपखंड के ग्राम लल्लाई में कल सुबह गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां चल रही थी। इस दौरान हो रही बारिश से बचने के लिए छात्राएं और अध्यापिकाएं एक टीन शेड के नीचे खड़ी हो गई। एकाएक तेज गड़गड़ाहट के साथ टीन शेड पर बिजली गिर गई जिससे नीचे खड़ी 7 छात्राएं, 3 बीएड छात्राएं और एक शिक्षिका झुलस गई। संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों के कुशलक्षेम पूछे। राजसमंद जिले के आमेट में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेल मैदान पर 68वां गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम कल आयोजित किया गया। उपखंड अधिकारी गोपाल लाल सोनी ने तिरंगा झंडा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी। मार्च पास्ट के होते ही तेज बारिश भी शुरू हो गई। कुछ समय के लिए कार्यक्रम स्थल से सभी तितर बितर हो गए। 15 मिनट बाद बारिश रुकने के बाद कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया। मैदान गीला होने के बावजूद तेज चल रही हवाओं के बीच अब बच्चों ने जोश के साथ अपने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक नृत्य पेश किया। उपखंड अधिकारी और नगर पालिका चेयरमैन नर्मदा देवी बागवान ने मंच से संबोधित किया। उपखंड स्तर पर विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर 27 व्यक्तियों को उपखंड अधिकारी ने स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। गिजवाना में कल भारतीय संविधान की वर्षगांठ गणतंत्र दिवस के रूप में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए गए। इस मौके पर बलदेव राम मिर्धा स्टेडियम में मुख्य समारोह आयोजित किया गया। इसके अलावा शहर के सरकारी कार्यालयों के साथ ही सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं पर ध्वजारोहण हुआ। वहीं अनेक सांस्कृतिक एवं देशभक्ति से परिपूर्ण कार्यक्रम भी संपन्न हुए। इस मौके पर बलदेव राम मिर्धा स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन हुआ जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपखंड अधिकारी उत्तम सिंह शेखावत ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने छात्र एवं छात्रा वर्ग की एनसीसी विंग एवं स्कूली छात्र छात्राओं की सामूहिक परेड की सलामी ली। इस मौके पर विभिन्न शालाओं के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति कार्यक्रम और सामूहिक व्यायाम भी प्रदर्शित किया। नागौर के डीडवाना के बांगड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस दौरान युवाओं को मतदान की अहमियत बताई गई, साथ ही नए मतदाताओं को परिचय पत्रों का वितरण किया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी उत्तम सिंह शेखावत ने कहा कि भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण कार्य है। मतदाताओं, विशेषकर युवा मतदाताओं को चुनाव एवं लोकतंत्र के प्रति गंभीर होकर अपने मताधिकार के प्रति गंभीर एवं जागरूक होना चाहिए। प्रधानाचार्य चिदाराम योगी ने कहा कि युवाओं को अपने अधिकार का उपयोग करते हुए समाज में लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, जबकि सहायक पोस्ट मास्टर महेश कुमार चाक ने लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। जयपुर के बस्ती उपखंड क्षेत्र में करीब आधे दर्जन जगहों पर बिजली गिरी। मुकनपुरा और चैनपुरा गांव में बिजली गिरने से दर्जन भर बच्चे झुलस गए। मोहनपुरा में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। बारिश शुरू हुई और बच्चे एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए और बिजली गिरने से ये सभी घायल हो गए, जिन्हें बस्ती सीएससी में इलाज के लिए भेजा गया। 4 बच्चों की गंभीर हालत में जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल में इन्हें रेफर किया गया। वहीं चैनपुरा गांव में बिजली गिरने से 2 स्कूली छात्राओं की मौत हो गई। बच्चे स्कूल में झंडारोहण के बाद घर जा रहे थे। बारिश आने पर दोनों बच्चे पेड़ के नीचे खड़े हो गए और उसी वक्त बिजली गिर गई। दोनों घायलों ने जयपुर एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बस्ती विधायक ने बताया कि घायलों और मृतकों की मुख्यमंत्री को सहायता के लिए बुला जाएगा। चौक के डिग्गी मालपुरा में एक समारोह के दौरान कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि प्रदेश में शीतलहर पाला पड़ने से हुए फसलों के नुकसान को देखते हुए कलेक्टर को 1 फरवरी से फसल गिरदावरी करने का आदेश दिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि 33% से ज्यादा खराब होने पर किसानों को मुआवजे के लिए आपदा राहत प्रमुख सचिव जेसी मोहंती को निर्देशित किया गया। अजमेर के नसीराबाद में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक को ज्ञापन दिया जिसमें उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की गई। नागौर की खीवसर में तेज शुरू हुई बारिश 10 मिनट तक जारी रही, साथ ही बादल तेज आवाज के साथ गरजाए भी जिससे बिजली गुल हो गई। नागौर के खीवसर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में कल 68वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। उपखंड अधिकारी कुशल कुमार कोठारी ने इस दौरान ध्वजारोहण किया। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन पंचायत समिति के दिनाक्षरी ग्राम पंचायत में पढ़ने वाले बच्चे नाव में बैठकर गणतंत्र दिवस मनाने पहुंचे थे। इस अवसर पर बच्चों ने उत्साह के साथ आजादी के नारे भी लगाए। सीकर के लोसल में लगातार 18 घंटे बारिश से तापमान गिरा जिससे सर्दी बढ़ गई है, लेकिन इससे किसानों के चेहरे पर रौनक देखने को मिली। नागौर की खीवसर बालक बालिकाओं ने देशभक्ति गीत पर नृत्य किया और विद्यालय के विकास में सहयोग करने पर भामाशाह सम्मान भी किया गया। बाड़मेर के पचपदरा में मतदान दिवस पर निबंध और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
झालावाड़ के पिडावा उडियाखेड़ी ग्राम पंचायत के अमीरपुरा बाकीपुरा में जगह जगह गंदगी और कीचड़ का ढेर लगा हुआ है। गांव में दोनों और नालियां नहीं होने से पानी सड़कों पर बह रहा है और इसी वजह से कीचड़ और गंदगी फैल गई। भरतपुर के कुम्हेर रूंद लेहक ग्राम पंचायत के सरपंच राजपाल सिंह को जिला कलेक्टर के आदेश पर विकास अधिकारी ने चार्ज दिलाया। अधिक संतान होने पर तथ्य छुपाने के मामले में उसे पद से हटा दिया गया था, लेकिन हाल ही में संभागीय आदेश की पालना करते हुए उन्हें पुनः सरपंच पद का चार्ज विकास अधिकारी देवी सिंह ने दिलाया। भरतपुर के कामा पहाड़ी रोड स्थित देवी गेट के निकट दो बाइकों के भिड़ंत में बाइक सवार एक महिला सहित तीन जने घायल हो गए, जिन्हें राजकीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया। भरतपुर के डीगा झूंथर के गांव नाहरहोली में बाइक फिसलने से तीन लोग घायल हो गए। तीनों बाइक से हुआ पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डीग जा रहे थे, तभी अचानक नाहरहोली के समीप कुएं वाले मोड़ पर उनकी बाइक फिसलने से हादसा हो गया। जयपुर के सांभर लेक में आज सुबह सड़क के पास नाले में एक व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना पर लोगों में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां शव की शिनाख्त सांभर निवासी छोटू के नाम पर हुई है। जयपुर के सांभर लेक कस्बे में एक निजी स्कूल पर आकाशीय बिजली गिरने से भवन के छत का हिस्सा टूट गया। गणतंत्र दिवस समारोह के चलते बच्चे स्कूल में नहीं थे, जिसके कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जयपुर के सांवरले कस्बे में दशहरा मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह कल मनाया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी रामरतन शर्मा ने ध्वजारोहण किया। वहीं बारिश की वजह से कई स्कूलों में कार्यक्रम स्थगित हो गए, तो कहीं झंडारोहण तक ही सीमित है। नागौर के पर्वतसर में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह सीनियर स्कूल में कल आयोजित किया गया, जहां विधायक मान सिंह किनसरिया, एसडीएम राजेंद्र सिंह चांदावत ने ध्वजारोहण किया। भरतपुर के बयाना क्षेत्र में बेरोक टोक पत्थरों से भरे ओवरलोड वाहनों का संचालन हो रहा है। वाहन कोतवाली थाने के सामने से दिन भर निकलते हैं, पुलिस प्रशासन इस पर फिर भी कोई ध्यान नहीं देता। जैसलमेर के रामगढ़ में नीम हकीम उपचार के नाम पर मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और कस्बे में विभिन्न स्थानों पर करीब आधा दर्जन नीम हकीमों ने दुकानें खोल रखी है, जहां मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अपनी आधी अधूरी जानकारी के साथ मरीजों का उपचार कर नीम हकीम बेखौफ अपना धंधा संचालित कर रहे हैं। इसके द्वारा दिखावे के तौर पर दवाई की दुकान खोली जाती है, लेकिन असल में दुकान के अंदर लोगों का उपचार किया जाता है। चौक अलीगढ़ को जल्द टाइगर सफारी की सौगात मिलेगी। आमली टाइगर सफारी पार्क के रूप में इस मामले पर चार दीवारी की डीपीआर बनी, वन क्षेत्र रणथंभौर परियोजना के सुपुर्द किया गया। 110 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृतियां मिल गई हैं। आपको बता दें कि विधायक राजेंद्र गुर्जर इस मामले पर प्रयासरत थे और उन्हीं के प्रयास रंग लाए। अजमेर के केकड़ी में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कल केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 254 मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी नव मतदाताओं का स्वागत करेंगे और उन्हें मतदान की शपथ भी दिलवाएंगे। भरतपुर के रूपवास में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सर्व शिक्षा अभियान की ओर से ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न प्रतियोगिताओं का इस अवसर पर आयोजन किया गया था। बच्चों ने रंगोली सजा बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने का संदेश दिया। समारोह में कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और लिंग परीक्षण को रोकने के लिए लगाई गई पोस्टर प्रदर्शनी लगाई गई और अंत में सफल प्रतियोगियों को सम्मानित भी किया गया। और फिलहाल खबर पंचायत में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।